अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, ये शॉर्ट लर्न के लेक्चर्स चल रहे हैं। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट हैंड में शॉर्ट सॉन्ग्स बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से शॉर्ट सॉन्ग बनती हैं, और इससे हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेट्स सी नाउ। सबसे पहले हम देखेंगे हैव। अगर ये आ जाए तो हम शॉर्ट सॉन्ग में कैसे स्पीड से जल्दी बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम लाइन के ऊपर जो वी बनाते थे ना, सेम वही वी बनेगा यहाँ पर, लेकिन इसको हम यहाँ पे कहेंगे हैव। देखें, हैव डार्क करके बनाएंगे। अब जैसे थिंक आ जाएगा, थिंक हमने इथ बनाया था ना, वैसे ही इसको भी इथ की तरह बनाएंगे लाइट में इथ। अब देम हमने डी बनाया था, तो देम डार्क बनाएंगे उस तरीके से ही, जिस तरीके से। अब वॉज आ जाएगा, वॉज तो बनाएंगे। शल को इश बनाया था हमने इस तरीके से, इश। यूजुअली को हम डार्क बनाएंगे लाइन के ऊपर। अच्छा, इन सब को आपको सबका ख्याल रखना है कि सब जो है वो लाइन पर बनेंगे इस तरीके से। जैसे अब कम आ जाता है, कम तो इसको भी हम के बनाएंगे, लेकिन लाइट होगा ये और लाइन पर बनेगा। मैं लाइन से थोड़ा ऊपर बना दूँ ताकि आपको नज़र आइए, ये याद रखिएगा, लाइन पर बनेगा के की तरह पे कम। गिव और गिविन तो ये भी लाइन पर बनेगा, लेकिन डार्क बनेगा गे की तरह पे। ये लाइन पर बनाया मैंने, एक ही बार करना है इसको, एक ही बार लाइन पर लगानी है सिर्फ, ये दो बार हाथ नहीं पहनना है, सिर्फ इसको एक ही बार पे। अब जैसे हिम आता है, हिम एम बनाते थे हम, एम सेम वैसे ही बनेगा एम लाइन पर। थिंग हमने इंग बनाया था ना, वैसे ही इंग बनेगा, ये डार्क बनेगा, ठीक है। अब लॉर्ड हमने एल बनाया था, वैसे ही ये लाइन पर एल की तरह ही बनेगा। अब वी आएगा, तो ये भी वे जैसे हमने वे बनाया था ऐसे ही बनेगा ये वी। यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि जैसे अब ये तो हमने बनाना सीखा, देखा हमने किस तरीके से बनाएंगे। अब ऑन और ऑन, जैसे ऑन इसके साथ दा भी आ जाता है, ऑन हमने बनाया ये ऑन, जिससे अब इसके साथ दा भी आएगा, दा से नाकता तो वाला हमने दा है। अब टिक की सूरत में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं दा को, दा ये शेप के हिसाब से टर्न हो जाएगा, जैसे यहाँ शेप होगी ये यहाँ होगी, तो दा को बनाएंगे। देखते हैं हम ऑन द लिखते हैं, ऑन द, अब ये ऑन बनाया हमने, दा जो है इसकी टिक यहाँ पर निकल जाएगी। बट बना, अब देखते हैं हम बट हमने बनाया था, बट जो होता है वो हल्का तिरछा होता है, ठीक है। बट अब इसलिए हम दा बनाएंगे, तो ये बनाएंगे बट द इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।